पंड्या स्टोन में धरा पर भूत चढ़ गया है, ऐसा रावी को लगता है। तभी तो झाड़ फूक कर आ रही है, नहीं तो आप खुद बताइए कि धरा के सामने रिशिता और देव जो है वो घर छोड़कर चले जाएं और धरा रोके भी ना। ऐसे में रावी का ये सोचना कि कोई भूत प्रेत तो नहीं चढ़ गया है धरा पर इज नॉट सो आउट ऑफ प्लेस। अब धरा से किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सबको लग रहा है कि जरूर कोई बात है, लगता है धरा पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। अब देव और रिशिता इस घर को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन धरा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यही सोच सोच कर सब परेशान है। रावी ने तो झाड़ फूक भी करना शुरू कर दिया है। तो उधर सासू माँ के समझ में कुछ कुछ आ रहा है। उन्होंने तो धरा को सीधे सीधे कह दिया कि जो बात है वो मुझे बता दे, वरना तेरी खैर नहीं। रख रख पहचानती हूँ, बात का तेरा हो जाएगी। इस बार भी कोई कांड कर दिए, कुछ खिचड़ी पकाए तुम सब, नहीं बता रहे। मैं भी अपने कमरे में जाकर पसर जाऊँ, तब तक बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मेरा बेटा और बहू नहीं आ जाए। पता है ना अकेले घर पे कौन राज करता है? चुड़ैल। धरा द डायन, धरा द चुड़ैल। माँ बोल कर गई अभी भाभी को ऐसा कुछ। मैंने तो रानी बोला था, माँ ने चुड़ैल बना दिया। हमने कुछ राज छुपाए माँ से, बस वही छुपाने के चक्कर में माँ में वो हमारी में खींचा तानी चली है, माँ गुलवाने के चक्कर में, और हम नहीं बोल रहे हैं चीज़ें। मैं भी छुपा रहा हूँ इस बार तो बहुत इससे, तो माँ को बस ये हो रहा है कि बस पता चल जाए, तो इसलिए भाभी को ऐसे ऐसे बोल रही। मतलब माँ सबकी शक्लें भाप रही है कि कुछ ना कुछ ये धरा की बेटी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर ही रही है। अब भी सबकी नजर धरा पर है, लेकिन धरा की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे सबका भला होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा रिस्क तो है, लेकिन भाई एक काम निकलवाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ना रावी को पता है कि धरा की क्या प्लानिंग है, ना सुमन माँ को पता है कि धरा ने क्या सोच रखा है, ना गौतम को पता है, क्रिश चुपके से आके सुन लेता है, ना रिशिता को पता है। इस प्लान में मिले हुए हैं तीन लोग जो मैं रिवील नहीं करूँगी। वैसे जाते जाते ये भी जरा देख लीजिए जहाँ पर रावी को चोट लग गई है। अब भाई मरहम पट्टी भी तो करनी होगी। ये शिवा बदल गया है, इसे अब दर्द होता है जब रावी को चोट लगती है। रावी ने अपना सर दीवार पे मारा है क्योंकि शिवा से शादी हुई है ना, तो दीवार पे सर पटकना ही पड़ता है। हाँ। इन दोनों का बदला बदला ये रूप सच में इनके फैंस तो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।